अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड में पकड़े गए माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, जहां 27 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना खैर, पिसावा व जवा में चार्जशीट किए गए 27 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, जिसमें 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक, 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन, 4 ठेका संचालक शामिल हैं। बता दें कि अलीगढ़ पुलिस ने जहरीली शराब कांड में अब तक कुल 29 अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिसमें 82 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 1,00,000 का इनामी ऋषि शर्मा, 50,000 का इनामी विपिन यादव, 25,000 के इनामी नीरज चौधरी, मनीष शर्मा, मदन गोपाल उर्फ कालिया, राम निवास उर्फ राज, अनिल कुमार व 15,000 का इनामी रविंद्र यादव भी शामिल है। वहीं SSP कलानिधि नैथानी ने बताया कि इन लोगों के 42 खाते पुलिस द्वारा फ्रीज किए जा चुके हैं। कई सालों से उनके द्वारा जो धन अर्जित था उनके खातों में उसको फ्रीज किया गया है। वहीं अपराध से अर्जित 120 करोड़ संपत्ति को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया है और आगे भी कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ में शराब माफिया के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए DGP मुख्यालय एवं शासन के निर्देश अनुसार अब तक कुल 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 82 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और इसके विरुद्ध जो कार्रवाई है उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज 3 थानों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 27 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अगर बात करें तो 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक, 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन और अन्य सहयोगी एवं 4 ठेका संचालक भी शामिल हैं। और प्रमुख अभियुक्तों की बात करें तो शराब माफिया अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, मुनी शर्मा एवं मदन गोपाल जो हरियाणा का रहने वाला है, इसके अलावा शराब तस्कर विपिन यादव मैनपुरी का एवं शिव कुमार हाथरस का। इसके साथ ही जो फैक्ट्री मालिक हैं और अवैध फैक्ट्री मालिक थे विजेंद्र कपूर, गंगाराम प्रधान व अन्य इनके साथी, इन सब के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और अब तक जो टोटल इसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं इसकी अगर बात करें तो इन लोगों के 42 खाते भी पुलिस द्वारा फ्रीज किए जा चुके हैं एवं कई सालों से जो इनके द्वारा जो धन अर्जित था जो इन खातों में था 1 करोड़ से अधिक उसको फ्रीज किया गया। वहीं अपराध से अर्जित इनकी लगभग 120 करोड़ की संपत्ति को भी पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें भी इन गैंगस्टर मुकदमों के पंजीकृत होने के बाद विधिवत 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रचलित है। गौरतलब है कि अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब कांड में 109 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी शराब माफिया व तस्करों सहित 27 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। SSP कलानिधि नैथानी के निर्देशन में शराब कांड के प्रथम चरण में शराब माफिया गैंग का 1 माह के भीतर खात्मा किया गया। पंजाब केसरी TV के लिए अलीगढ़ से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।